फार्मासिस्ट के 4105 पदों पर नियमित भर्ती हेतु आज जाड़ोल उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। जिले के जाड़ोल उपखंड क्षेत्र में आज गुरुवार को राजस्थान राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन फार्मासिस्ट एसोसिएशन के संभाग प्रभारी राहुल मेघवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी गुंजन सिंह को फार्मासिस्ट के 4105 पदों पर नियमित भर्ती हेतु ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में 2/3 से अधिक दवा वितरण केंद्रों पर फार्मासिस्ट ही नहीं है एवं नर्सिंग व अन्य कर्मचारी दवा वितरण कर रहे हैं, ऐसे में ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक एक्ट का उल्लंघन है। सरकार द्वारा 2013 के बाद चिकित्सा विभाग ने फार्मासिस्ट की नियमित भर्ती नहीं हुई है, जबकि राज्य में 25,000 से अधिक पंजीकृत फार्मासिस्ट है जो बेरोजगार है व नौकरी की आस लगाए बैठे हैं। अन्य पैरा मेडिकल वर्ग से संविदा कर्मी को बोनस अंक लेकर भर्ती की जा रही है। उसी तर्ज पर संविदा फार्मासिस्ट को भर्ती निकालकर नियमित नियुक्ति प्रदान की जाए। इस दौरान डिंपल दसोरा, हेमंत रेगर, निर्मल वडेरा, सुमित्रा डामर उपस्थित रहे।